जय श्री कृष्ण दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय में कृष्ण ने संपूर्ण रूप से मनुष्य के अगले जन्म पे बल दिया है। परंतु गीता में ये भी कहा गया है कि मृत्यु के समय जब मनुष्य की आत्मा उनके शरीर को त्याग देती है और त्याग देते हुए मनुष्य जो कुछ स्मरण करता है उसी के अनुसार उसे जन्म प्राप्त होते हैं। परंतु ये आसान नहीं है, जीवन भर जो कुछ भी स्मरण करते हैं वही अंतिम समय याद होता है। तो मनुष्य तीन गुणों से प्राप्त होते हैं, वे गुण है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो कृष्ण कहते हैं 14वें अध्याय में कि मनुष्य अपने अंतिम समय जो कुछ स्मरण करेंगे वे उनके गुणों से पहले ही पता चल जाता है। इसका मतलब है कि हमारे अंतिम समय में अगर हम रजो, सत्व या तमो गुण में से किसी एक गुण में थे तो उस गुण वाले लोग या फिर उस गुण वाली आत्मा कौन सी योनि को प्राप्त होते हैं ये कृष्ण इस अध्याय में बताते हैं। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम में कौन से गुण प्राप्त है, तो आइए इसे जानते हैं। और कौन से गुण वाले कौन सी योनि को प्राप्त होते हैं ये भी इसके आगे जानेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहे। सत्वगुणी पुरुष केवल और केवल ईश्वर को जानने वाले होते हैं, वे सदैव सुखी रहते हैं। इनके पास सुख, ज्ञान, वैराग्य होता है। तो वही राजसी गुणों वाले पुरुष केवल और केवल अपने संपूर्ण जीवन में कर्मों के आरंभ ही कर पाते हैं। कर्म मतलब ईश्वर का चिंतन और ईश्वरीय आराधना करने का आरंभ। ऐसे लोगों में राग और दुख सदैव रहते हैं। तमोगुणी पुरुष वे हैं, वे कभी कर्म को जान ही नहीं पाते। ऐसे लोग भगवान से अपरिचित होते हैं, वे भगवान पे विश्वास कभी नहीं करते जो भगवान की चेष्टा करते हैं। सदैव ऐसे लोग वासना में लीन रहते हैं, ऐसे लोग अज्ञान होते हैं, ये लोग अति दुखी भी रहते हैं। तो मनुष्य का स्वभाव सतत बदलता रहता है और स्वभाव के अनुसार गुण भी बदलते रहते हैं। तो ये थे तीन गुण, परंतु हमें इसमें बदलाव लाने के लिए हमें अपने भीतर ही दूसरे गुणों को भी दबाना पड़ता है। रजो और तमो को दबा के सत्व गुण बढ़ता है, वही सत्व और तमो को दबा के रजोगुण बढ़ता है, और रजो और सत्व को दबा के तमोगुण बढ़ता है। तो अब कैसे पता करें कि कौन सा गुण काम कर रहा है? उदाहरण के तौर पे जो सदैव ईश्वर का नाम जपते हैं, उनकी सेवा करते हैं, जो भक्ति पे चलते हैं, वे सत्वगुणी लोग होते हैं। रजोगुण में पैसों का लोभ होने वाले लोग, लालसा में लीन रहने वाले लोग, मन में अशांति, भक्ति मार्ग में केवल आरंभ। तो वही तमोगुण में भगवान का अपमान करने का स्वभाव वाले लोग, भक्ति से वंचित रहने वाले लोग, वासना का भोग भोगने वाले लोग, केवल संसार में ही खोए रहने वाले लोग तमोगुणी होते हैं। अब जानते हैं कि कौन से गुण वाले कौन सी योनि को प्राप्त होते हैं। सत्वगुणी लोग मृत्यु के पश्चात दिव्य कर्म करने वाली मनुष्य योनि को प्राप्त होते हैं। दिव्य कर्म मतलब सदैव ईश्वरीय चिंतन करने वाले। अब रजोगुण लोग मृत्यु के पश्चात पुनः इनको मनुष्य योनि प्राप्त होती है। तो देखिए कृष्ण भगवान कितने दयालु है, थोड़ा भी चिंतन या आराधना करने वाले लोगों को भी मनुष्य योनि पुनः प्राप्त कर देते हैं। परंतु याद रखिए, अंतिम समय में ये गुण उस शरीर में रहने चाहिए, वरना गुण तो बदलते रहते हैं। तथा तमोगुण को लेके मरा हुआ पुरुष मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। पक्षी, पशु, प्राणी, कीट, पतंग, अन्य प्रकार के प्राणियों में ऐसे लोग प्राप्त होते हैं। और इसके परे जो सत्वगुण में रहके सदैव भगवान का चिंतन करता रहता है, उसके लिए ना अतीत है ना भविष्य है, जो हमेशा सुख और दुख में शांत रहता है, जो सम्मान में और अपमान में भी शांत रहता है, ऐसे पुरुष कृष्ण को पा जाते हैं, अंततः ये मोक्ष को पा जाते हैं। तो दोस्तों, ये संपूर्ण 14वें अध्याय का सार हमने 5 मिनट में आपके सामने ला रखा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप जरूर लाइक और शेयर करिएगा। तो हमने इस वीडियो से आज ये सीख ली कि हमें सदैव भगवान का चिंतन करना ही होगा और उन पे विश्वास भी
करना ही होगा। सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। राधे राधे। क्वेश्चंस के लिए कमेंट जरूर कीजिए, सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।